ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्टिंग स्पैनिंग ट्री, प्रोटेक्टिंग स्पैनिंग ट्री। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, प्रोटेक्टिंग स्पैनिंग ट्री। इसमें पहला मेरा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म क्या है, रूट गार्ड। पहला प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है रूट गार्ड, सेकंड वाला थर्ड वाला है और फिफ्थ वाला है यूडीएलडी, यूनिडायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन। ठीक है, यूडीएलडी स्टैंड्स फॉर यूनिडायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन, यूनिडायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन। ओके भाई, ये चीजें पहले पढ़ी है सीसीएनए में कि नहीं? नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लेना, अब ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब देखो, बीच में मैं तुम्हारी वीडियो पॉज करूंगा, फिर बीच में सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे हम, रूट गार्ड। ये सारे के सारे गार्ड हैं, सबसे पहले हम कौन सा गार्ड देखेंगे, रूट गार्ड क्या करता है। सबसे पहले एक देखो टोपोलॉजी में, फॉर एग्जांपल तीन स्विच लगे हुए हैं, स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री। इंटरफेस नंबर वन टू, वन टू टू वन, ये है मेरा डीपी, ये है डीपी, ये है आरपी, ये है आरपी, ये है डीपी और ये है मेरा क्या, ब्लॉकिंग। इसका मतलब ये मेरा रूट ब्रिज है, इसके अकॉर्डिंगली मैंने कहा ये रूट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब देखो रूट की प्रायोरिटी कितनी है, जीरो। इन सब की प्रायोरिटी कितनी है, थ्री टू सेवन सिक्स एट। कितनी है, थ्री टू सेवन सिक्स एट। मे बी रूट की प्रायोरिटी है फोर जीरो नाइन सिक्स। ठीक है, अब इस केस में मैंने रूट ब्रिज इलेक्शन कैसे किया, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी हुई है ना। रूट ब्रिज इलेक्शन किसके बेसिस पे होती है, ब्रिज आईडी के बेसिस पे। ब्रिज आईडी पे दो चीजें होती है, मैक एड्रेस और प्रायोरिटी। अगर प्रायोरिटी सेम हो फिर इलेक्शन किसके बेसिस पे होती है, मैक एड्रेस के बेसिस पे। अगर प्रायोरिटी डिफरेंट हो, जिसकी लोवेस्ट प्रायोरिटी होगी वही स्विच तुम्हारा क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज, वही बनेगा ना रूट ब्रिज। इतना क्लियर है? अब देखो फॉर एग्जांपल अगर इस टोपोलॉजी में मैं एक और स्विच प्लग इन कर देता हूँ यहाँ पर, और मेरी प्रायोरिटी क्या है, जीरो, तो इमीडिएटली ये स्विच क्या बन जाएगा तुम्हारी टोपोलॉजी का, रूट ब्रिज। इमीडिएटली वो क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज। क्या होगा, जो ये वाला स्विच होगा ना, ये बीपी टू भेजेगा कितनी प्रायोरिटी के साथ, जीरो के साथ। जो स्विच थ्री के पास बेस्ट बीपी टू आ रहा है उसकी प्रायोरिटी कितनी है, 4096। तो स्विच थ्री किसको रूट मान लेगा, इसको, और स्विच थ्री इन दोनों को भी क्या मनवा देगा कि रूट कौन है, ये है। चला पता, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या होगा इसमें, इस केस में देखो क्या होगा, तुम्हारा जो ये रूट ब्रिज है ना, जब बीपी टू भेजेगा ना कितनी प्रायोरिटी के साथ, जीरो के साथ, तो स्विच थ्री किसे रूट मानेगा, इस वाले स्विच को। और जब बीपी टू फॉरवर्ड करेगा ना उनके पास, उसमें रूट आईडी क्या फॉरवर्ड कर देगा, जीरो। तो ये वाला स्विच भी किसको रूट ब्रिज मान लेगा, जीरो वाले को, और ये वाला भी किसको रूट ब्रिज मान लेगा, जीरो वाले को। हो गया ना? अब देखो बात स्विच की है ही नहीं है, मे बी क्या होता है कि कई बार तुम्हारे एक्सेस लेयर पे यूजर्स बैठे। फॉर एग्जांपल ये हमारी टोपोलॉजी का क्या है, रूट है, इसकी प्रायोरिटी क्या है, 4096। बाकी सबकी प्रायोरिटी क्या है, डिफॉल्ट प्रायोरिटी है। सपोज यहां पर आपके बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड हैं, एक दो मीन्स के यहाँ पर एक पीसी कनेक्टेड था। अब पीसी ने क्या किया, पीसी मे बी कंपनी का इंटरनल एम्प्लॉय था, उसने क्या करना था, मे बी उसको तंग करते होंगे उसके ऑफिस वाले। अब देखो ये इन दोनों जैसे मैनेजर होंगे तो खा जाएंगे बंदे को वैसे ही, है ना, प्राइमरी बैकअप, बैकअप प्राइमरी, एक दूसरे जैसे ही है। सपोज इनका एक एम्प्लॉय था, इन्होंने उनको क्या, उसको क्या कर रखा था, तंग कर रखा था। अब बात क्या हुई, उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने सोचा यार इंटेलिजेंट था वो, अच्छा नेटवर्क इंजीनियर था, वो क्या कर सकता है कि देखो जो तुम्हारी टोपोलॉजी है ना, तुम्हारी टोपोलॉजी में वो किसी एप्लीकेशन के यूज़ करके क्या जनरेट कर सकता है, एक बीपीडीयू स्पैनिंग ट्री, बीपीडीयू जनरेट करेगा कितनी प्रायोरिटी के साथ, जीरो के साथ। जब ये बीपीडीयू स्विच थ्री को मिलेगा, स्विच थ्री किसे रूट मान लेगा, इसको, ठीक है ना, इसको रूट मानेगा कि नहीं मानेगा, तुम्हारा पीसी क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा।
अब एक और बात देखो, अगर यहाँ पे पोर्ट फास्ट भी चल रहा हो तो पोर्ट फास्ट तो वैसे ही बंद हो जाएगा जब बीपीडी हिट करेगा वहाँ पे, हो जाएगा ना बंद, समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका मतलब जो मेरा रूट ब्रिज है ये प्रोटेक्टेड है, ये प्रोटेक्टेड थोड़ी है। अगर कोई भी नया स्विच लगेगा या कोई भी डिवाइस लोअर लोअर प्रायोरिटी से बीपीडी भेज रहा है, तुम्हारा रूट ब्रिज जो जा रहा है उसी वक्त खत्म हो रहा है ना। वो पिछले केस में जब मैंने नया स्विच लगाया था कितनी प्रायोरिटी के साथ, जीरो के साथ, तो ऑन द स्पॉट वो स्विच क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज। अब देखो रूट ब्रिज हमारा एक्चुअली है कौन, ये क्या ये प्रोटेक्टेड है? नहीं, क्योंकि कोई भी नया स्विच आएगा या कोई भी और डिवाइस बीपीडी जनरेट करके भेजेगा तो क्या होगा, वो रूट ब्रिज बन जाएगा। तुम्हारी टोपोलॉजी का रूट प्रोटेक्टेड है, नहीं प्रोटेक्टेड। अब देखो पिछले केस में स्विच लगाया था, और कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिनसे जो हैकर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन से एक बीपीडी जनरेट कर देंगे। मे बी इसने क्या देखा, देखो अब जो हमारे बीपीडी हैं क्या वो यहाँ पर आते हैं, आते हैं, ऑब्वियसली बात है, इस पोर्ट पे भी बीपीडी आते हैं ना। जब बीपीडी तुम्हारा यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से, और यहाँ पे भी जाता है ना, जहाँ पे एक्सेस लेयर के यूज़र है। अब इस यूज़र ने क्या किया, बीपीडी कैप्चर करके देख लिया कि रूट ब्रिज की प्रायोरिटी क्या है, 4096। उसे पता चल गया रूट ब्रिज की प्रायोरिटी क्या है, 4096, और उसका मैक एड्रेस क्या है, 0A। ठीक है, मे बी तुम्हारे रूट ब्रिज का मैक एड्रेस, इसका मैक है 0A, 0B, 0C। तो देखो जब बीपीडी जाएगा, जब बीपीडी आएगा पीसी के पास, वो कैप्चर करके देख सकता है ना कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, 4096, और ब्रिज और मैक एड्रेस क्या है, 0A। तो अब तुम्हारे पीसी को और एंड यूजर को पता है कि मैं कैसा बीपीडी जनरेट करूं कि मैं क्या बन जाऊं, रूट ब्रिज। अटेंडेंस दो फिर रूट ब्रिज बनाते हैं, और देखो क्या होता है, इतने टाइम में तुम सब कुछ भूल भुला जाते हो, है ना, भूल जाते हैं इतने टाइम में, फिर से मुझे वो सारी कहानी दोबारा बनानी पड़ेगी, सारी स्टोरी। अब देखो अब ये पीसी क्या करेगा, देखो अगर ये कंप्यूटर क्या करे बाई चांस, देखो अब ये स्विच तो है नहीं है, है तो कंप्यूटर ही है ना, बट देखो हैकर्स अगर कुछ भी किसी भी तरह की एप्लीकेशन से आप किसी भी तरह का पैकेट फॉर्मुलेट कर सकते हो। मे बी इस डिवाइस ने क्या किया, ये कोई अटैकर था, हैकर अटैकर जो मर्जी वर्ड यूज़ करो, इसने क्या किया एक पैकेट फॉर्मुलेट कर दिया, और वो क्या बनाया इसने, बीपीडी बना दिया, और उसके अंदर उसने प्रायोरिटी कितनी सेट कर दी, 0। तो ठीक है, जब ये वाला बीपीडी यहाँ पे हिट करेगा, स्विच 3 रूट ब्रिज कैसे मान लेगा इस पीसी को, और ये रूट ब्रिज नहीं रहेगा, क्या उससे कोई इशू आएगा? उससे इतना कुछ खास इशू नहीं आएगा। इशू कैसे आ सकता है, देखो वो क्या कर सकता है अटैकर, कभी वो बीपीडी भेजेगा प्रायोरिटी 0 के साथ, कभी भेजेगा वो 32768 के साथ, मतलब कभी वो रूट ब्रिज बन जाएगा, कभी वो रूट ब्रिज का रोल छोड़ देगा, कभी रूट ब्रिज बन जाएगा और कभी रूट ब्रिज का रोल छोड़ देगा। वो तुम्हारी टोपोलॉजी की इलेक्शन कॉन्टिन्यूसली करवाता रहेगा, समझ में आया? तुम्हारी जो टोपोलॉजी है ना वो कभी कन्वर्ज करेगी नहीं, कभी वो रूट बन जाएगा, 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 तो यूज़र को डेटा फॉरवर्ड कर ही नहीं पाएगा यूज़र, क्योंकि जितने भी कैलकुलेशन होगी वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, रूट ब्रिज के। अब देखो दो एक मिनट के लिए ये रूट ब्रिज था, उसके बाद ये बन गया, मे बी विद इन 1 मिनट ये रूट था, फिर विद इन 1 मिनट ये रूट बन गया। अब क्या हो रहा है, मेरी रूट ब्रिज क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी वो बन रहा है पीसी बन जाता है, कभी कोई और बन जाता है। उससे क्या होगा, तुम्हारी जो लेयर टू टोपोलॉजी सारी की सारी क्या होगी, अनस्टेबल, अनस्टेबल हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि तुम्हारा रूट ब्रिज स्टेबल नहीं है, तो तुम्हारे जो पोर्ट रोल्स हैं वो क्या स्टेबल होंगे? अगर ये रूट ब्रिज है, तुम्हारा ये रूट पोर्ट है, अगर ये रूट ब्रिज है तो मतलब ये रूट पोर्ट में इलेक्ट होगा ना, टाइम लगेगा ना उसमें, समझ पा रहे हो कि नहीं इस चीज़ को? तो बेसिकली क्यों हो पा रहा है ऐसा अटैक, क्योंकि देखो तुम्हारा जो ये टोपोलॉजी है ये इस तरह के अटैक के अगेंस्ट क्या है, प्रोटेक्टेड ही नहीं है, मतलब कि कोई थर्ड, कोई एंड यूजर ही तुम्हें तुम्हें क्या भेज रहा है, बीपीडीयू, और तुम उसे एक्सेप्ट करके इलेक्शन करवा रहे हो। इतना समझ में आया क्या होगा? देखो सबसे पहली बात, उसने क्या किया, एक लोअर प्रायोरिटी का बीपीडी जनरेट किया जो तुम्हें भेज दिया उसने, अटैकर ने। स्विच लगाने वाला सिनेरियो तो है ही अलग, अटैकर ने क्या कर दिया, लोअर प्रायोरिटी का बीपीडी भेजा तुम्हें, और क्या कर दिया, खुद क्या बन गया, रूट ब्रिज। अगर वो खुद बन गया रूट ब्रिज तो बेसिकली पहली बात वो रूट ब्रिज बन गया। अब देखो उससे क्या इशू आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, तुम्हारी इलेक्शन उसके हिसाब से हो जाएगी बस। मतलब कि जैसे पहला इशू क्या आएगा, जिस तरह से तुम टोपोलॉजी चाहते थे वो नहीं रही, अब वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी टोपोलॉजी, इस रूट ब्रिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, यस और नो? और दूसरी चीज़ क्या है कि वो कॉन्टिन्यूसली तुम्हें एक बार प्रायोरिटी 0 का भेज देगा, उसके बाद वो कुछ और प्रायोरिटी का भेज देगा, उससे क्या होती रहेगी, तुम्हारी रूट ब्रिज इलेक्शन फ्लक्चुएट, कभी वो रूट ब्रिज, कभी वो रूट ब्रिज, मतलब कि तुम्हारी टोपोलॉजी कभी भी प्रॉपरली कन्वर्ज कर ही नहीं पाएगी। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक फीचर होता है रूट गार्ड। रूट गार्ड फीचर क्या होगा, देखो देखो सपोज अगर यहाँ पे कोई डिवाइस कनेक्टेड है, तुम्हारे करंट रूट की प्रायोरिटी कितनी है,
और उसका मैक एड्रेस कितना है? सपोज क्या होगा अगर सारे के सारे स्विचेस के ऊपर क्या इनेबल्ड है? रूट गार्ड। अगर सारे के सारे स्विचेस के ऊपर क्या इनेबल्ड है? रूट गार्ड। तो देखो अगर ये पीसी क्या करता है, एक बीपीडी भेजेगा प्रायोरिटी कितने के साथ? जीरो के साथ। तो जो ये बीपीडी होगा ना, ये स्विच कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कब? जब इस पोर्ट के ऊपर क्या लगा हुआ है? रूट गार्ड। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो ये स्विच क्या देखेगा कि इसके ऊपर जो बीपीडी आ रहा है, स्विच को पता है कि करंट रूट कौन है जिसकी प्रायोरिटी क्या है? 4096। तुम्हारे जो ये स्विच टू है इसको ऑलरेडी पता है कि करंट रूट कौन है तुम्हारा? स्विच वन, और उसकी प्रायोरिटी क्या है? 4096, और उसका मैक एड्रेस क्या है? 0A। अब देखो स्विच टू ने क्या देखा कि कोई और बीपीडी आ रहा है इस पोर्ट के ऊपर जिसकी प्रायोरिटी क्या है? 0। मतलब कि जो मेरा करंट वाला रूट है उससे बेटर है वो, मतलब कि वो रूट ब्रिज को क्या है, खतरा है ना उससे, वो रूट ब्रिज बन जाएगा। तो बेसिकली अब स्विच को क्या करना है, इस रूट ब्रिज को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है ना। तो क्या होगा, ये पोर्ट ऑटोमेटिकली क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक। ये पोर्ट क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। समझ में आया? ब्लॉक हो जाएगा और चला जाएगा रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट के अंदर। कौन सी स्टेट के अंदर? रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? पीछे भी देख लो एक बार, आया समझ में? रुक तो जाओ एक बार, सबर करो थोड़ा सा, बस आ गया समझ में पीछे कि नहीं आया? यू आर लुकिंग एट व्हाट? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? पीछे वालो वाइक के पीछे वाला क्लियर है इतना? तुम तो अल्लाह के बंदे हो, तुम्हारा आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रूट गार्ड? देखो डरने की जरूरत नहीं है, लिख रहे हो ना, आराम से समझो चीज़ों को, क्योंकि इससे आगे आने वाले जो टॉपिक्स होंगे वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे। तो अगर तुम अभी से सिंपल सिंपल चीज़ें समझने की कोशिश करो, मतलब उनमें मुश्किल आएगी ना, तो फिर उन्हें समझने में ज़्यादा मुश्किल आएगी। अब देखो बेसिक होगा क्या, रूट गार्ड जो मैं इनेबल करूंगा वो पर पोर्ट करूंगा। मैं क्या करूंगा, हर एक स्विच के सारे पोर्ट्स के ऊपर क्या इनेबल कर दूंगा, मतलब कौन से पोर्ट्स के ऊपर यूजली करूंगा? एक्सेस पोर्ट्स के ऊपर। जितने भी मेरे एक्सेस पोर्ट्स है ना, जहां पर कौन कनेक्टेड है मेरे एंड यूजर्स, जहाँ पर कौन कनेक्टेड है हमारे एंड यूजर, सभी पोर्ट के ऊपर मैंने क्या चला रखा है? पोर्ट पास भी चला रखा है, और क्या चला दिया मैंने? रूट गार्ड भी। क्या चला दिया? रूट गार्ड भी। उससे क्या होगा, देखो सपोज करो अगर इस पीसी ने, अगर ये पीसी तुम्हारा बीपीडी भेजता कितनी प्रायोरिटी के साथ? 3 to 7 6 8 के साथ। तो उस बीपीडी से क्या तुम्हारे करंट रूट में कोई खतरा है? नहीं है ना, नहीं है ना। तो उस केस में ये वाला पोर्ट ब्लॉक नहीं होगा। ये पोर्ट कब ब्लॉक होगा? जब ये वाला पीसी कोई बीपीडी सेंड करेगा इस टोपोलॉजी के अंदर जिसकी प्रायोरिटी क्या होगी? 4096 से कम, क्योंकि फिर ये खतरा है ना तुम्हारे रूट ब्रिज को। ये सब लो, ओनली देन दिस डिवाइस इज अ थ्रेट टू योर करंट रूट ब्रिज। इतना क्लियर है? देखो ये पोर्ट कब तक, कब ब्लॉक होगा? व्हेन दिस डिवाइस इज सेंडिंग अ बीपीडी दैट इज हैविंग लोअर ब्रिज आईडी देन द करंट रूट ब्रिज। ये सब लो, otherwise this port will not be blocked. Suppose if this PC is sending a BPD with priority of 32768, then this port will not be blocked. इतना clear है? समझ में आया कि नहीं आया? clear है? क्या होता है root guard? तो basically क्या है कि सारे switches को पता है current root bit की priority है, bag है, और कहीं और से उससे better BPD आएगा, वो port क्या हो जाएगा? block. But उसके ऊपर क्या enable होना चाहिए तुम्हारा? root guard. अगर नहीं enable तो फिर स्विचेस ये नीचे वाले कुछ नहीं कर सकेंगे। क्या अगर उसकी प्रायोरिटी जीरो, मैक एड्रेस लोअर करके भेज सकता है? क्या बीपीडी आता है यहाँ पर? बीपीडी आता है तो भी हाँ, जो तुम पीसी है उसके ऊपर बीपीडी आता रहता है। बोर्ड पास चलाने के बाद भी वीडियो आता है, कोर्ट पास ना भी चलाओगे तो भी आएगा, चलाओगे तो भी आएगा। देखो वो पूरी ब्रिज आईडी देख रहा है ना, प्रायोरिटी थोड़ी देख रहा है सिर्फ। सर अगर स्विच टू की, हाँ ये बन जाएगा। तो यार हम उसको थोड़ी, इस उसको थोड़ी गार्ड कर रहे हैं, ये पोर्ट पे थोड़ी चलाऊंगा मैं, एक्सेस में बोल रहा हूँ ना मैं। क्या तो मर्जी लगा दो, पोर्ट पे रूट गार्ड चल रहा है ना, चाहे बीपीडी आएगा बीपीडी चाहे स्विच सेंड कर दे, चाहे पीसी सेंड कर दे, कोई भी सेंड कर दे, पोर्ट तो ब्लॉक ही होगा। ये कर लो, व्हाट शुड यू स्पीक क्लियरली एंड लाउडली।
What happens when the root bridge down? Then one of the switch will be elected as a root bridge among switch 2 and switch 3. अरे यार सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, मेरी टेक्नोलॉजी का वो रूट ब्रिज है। मैं नहीं चाहता कि बाहर से कोई डिवाइस प्लग इन करे, बाहर से कोई डिवाइस प्लग इन करे और वो क्या बन जाए, रूट ब्रिज। सिंपल बात है, जो मेरे ये वाले पोर्ट है इनके ऊपर मैं रूट कार्ड क्यों चलाऊंगा, जरूरत ही नहीं है। बाकी के पोर्ट जो मेरे वेकेंट पड़े हैं और यहाँ पर एंड यूजर कनेक्टेड है, वहां पर मैंने गार्ड चला दिया ताकि उनमें से कोई रूट ब्रिज ना बन पाए। सिंपल सी बात है, अब उसके अंदर तुम अपनी वो डालते जा रहे हो कहानियां। मैंने सोचा था तुम लोग इंटेलिजेंट हो, बट आई वॉज रॉन्ग। देख लो भाई ध्यान से, अब प्रैक्टिकली ये चीज़ करने वाले हैं हम। रैक चल रहा है, ओके भाई, दो स्विचेस लेंगे हम। ये देखो एक लिंक है 1/0/21, दोनों के बीच में कितने लिंक है, एक लिंक है। स्विच टू क्या होगा तुम्हारा, रूट ब्रिज, और स्विच वन क्या होगा, नॉन रूट, और स्विच वन के पास होगा एक राउटर। अब देखो क्या है, अगर मैं इस पोर्ट से एक बीपीडीयू सेंड करता हूँ, क्या सेंड करता हूँ, बीपीडीयू, जिसकी प्रायोरिटी क्या है, जीरो। राउटर से मैंने उस दिन सेंड करवाया था ना बीपीडीयू, आज फिर राउटर से एक बीपीडीयू सेंड कराऊंगा जिसकी प्रायोरिटी क्या होगी, जीरो। तो राउटर क्या बन जाएगा तुम्हारा, रूट ब्रिज बन जाएगा। राउटर बन जाएगा क्या तुम्हारा, रूट ब्रिज बन जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखो उसके बाद मैं फिर यहाँ पे क्या चला दूंगा, रूट गार्ड। तो फिर क्या होगा, राउटर तुम्हारा रूट ब्रिज नहीं बन पाएगा और ये पोर्ट क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। वही होगा ना जो प्रैक्टिकल अभी हमने देखा, वही प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करेंगे और स्विच टू को क्या बना देंगे, अपना करंट रूट ब्रिज। और क्या करेंगे, फिर एक राउटर कनेक्ट करेंगे तुम्हारे स्विच वन में, और राउटर से क्या सेंड करवाएंगे, बीपीडीयू, और वो जो वो बीपीडीयू होगा उसकी प्रायोरिटी क्या कर दूंगा मैं, जीरो। तो देखो स्विच वन को क्या लगेगा, ये बीपीडीयू बेटर है, और राउटर को क्या मान लिया जाएगा, रूट ब्रिज। तो तुम्हारा करंट रूट ब्रिज का हो गया काम खत्म, ये सर नो। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इस पोर्ट के ऊपर मैं क्या इनेबल कर दूंगा, रूट गार्ड। उससे क्या होगा, जब ये लोअर प्रायोरिटी का बीपीडी सेंड करेगा इससे, तो ये पोर्ट ऑटोमेटिकली किस स्टेट के अंदर चला जाएगा, ब्लॉक स्टेट के अंदर और रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट के अंदर। क्लियर है सबको, प्रैक्टिकल जो करने वाला वो समझ में आया? Yes. आया तुम्हें? और इस तरफ आपको, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू? श्योर। देखो आज तुमने मेरा सभी से यकीन उठवा दिया, पहले मुझे सब पे थोड़ा बहुत यकीन था। पढ़ा करो यार, बताऊँ क्या होता है कि इन चीज़ों को तुम लाइटली लेते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम आगे कहीं, मे बी तुम्हारा प्लान आगे तक होगा, आगे तक पढ़ने का, तो फिर क्या होगा, जो तुम्हारा पिछला बेस अगर वीक है ना, तुम जो उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करोगे ना, वो गड़प से नीचे गिर जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो जो हम अपना बेस बनाते हैं वो बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ता है, बहुत स्ट्रांग बेस होगा उसके ऊपर जो मर्जी बिल्ड करते चलो, कोई इशू नहीं आएगा। तुम अपने आप पढ़ते जाओगे और तुम्हें अपने आप चीज़ें समझ में आती रहेंगी, अगर तुम्हारा बेस क्या है, स्ट्रांग। अगर तुम्हारा बेस वीक बनाना एक बार, मतलब जैसे वीक बेस तुम्हारा सी सी एन ए नहीं आती तुम्हें ढंग से, तुम्हें इतना ही नहीं पता वो ऐसा ही मॉडल कैसे काम करता है, तुम्हारा बेस क्या है, फिर वो वीक है। उसके ऊपर तुम जो भी कंस्ट्रक्शन करते जाओगे ना आगे, जो भी तुम और पढ़ोगे, वो तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर पिछला तुम्हें अच्छे से आता है ना, तो अगले वाला तो ऑटोमेटिकली समझ में आता जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेस स्ट्रांग है। तो अपने बेस को स्ट्रांग रख के चलो, अभी से पढ़ते रहो चीज़ों को। ये सारी चीज़ें किताब में भी हैं। पोर्ट फास्ट का इफेक्ट क्या पड़ेगा, अब तुम बताओ इफेक्ट क्या पड़ेगा। टी सी एन क्या हो जाएगा, टी सी एन क्या होगा पहले बताओ, कब आएगा? तो ब्लॉक होगा तो टोपोलॉजी चेंज हुआ, वो शट थोड़ी करेंगे, कौन शट करेगा, इस पोर्ट को शट करेंगे हम? अरे भाई वो ऑटोमेटिकली काम करेगी, मैनुअली थोड़ी शट करूंगा उसे मैं। रूट गार्ड क्यों चला रहा हूँ? ओम प्रकाश, तुम्हारा प्रकाश भी अब फीका पड़ रहा है, ठीक है ना, बुरे हाल हैं। अब टीसीएन की कहानी कहाँ से आ गई इसमें, पिछले तुम बताओ क्या हो तुम, कल से तुम्हें यही नहीं पता चल पाया कि टीसीएन आया क्या एक्चुअली, है ना, चल गया। कल उसने एक टीसीएन डाल दिया था, उसके अंदर सभी को उसने अपने साथियों को कंफ्यूज कर दिया था, बैकबोन फास्ट के अंदर वो टीसीएन ले आया था उठाकर, और उसने बाकियों को डेड कर दिया। ये सभी बेचारे टीसीएन पे कंफ्यूज हो गए,
योगेश देख लो, देखो तुम क्या करते हो, एक चीज पढ़ रहे हो ना, पहले एक ही पे फोकस रखा करो, उसके अंदर पिछली वाली इंक्लूड मत करके चला करो। तुम क्या करते हो, कंपैरिजन करते हुए चलते हो चीजों का। अरे ऐसा हुआ था सीसीएनए में भी, ऐसा हुआ था, वो चीजें एक ही हैं, ठीक है। तुमने क्या कर दिया, स्पैनिंग ट्री और बीटीपी को एक ही बना दिया। अच्छा सर, बीटीपी में ऐसा होता था, इसमें भी ऐसा होता है, चलो दोनों एक है, दोनों भाई बहन है। स्पैनिंग ट्री और बीटीपी दोनों भाई बहन है, स्पैनिंग ट्री ब्रदर है, बीटीपी सिस्टर है। उससे क्या होता है, तुम कुछ चीजों को कोरिलेट मत किया करो। जब तुम नेटवर्किंग पढ़ते हो ना, 90% चीजें कोरिलेटेड है आपस में, एक ही तरीके से काम करती हैं। अब EIGRP भी हेलो भेजेगी, OSPF भी हेलो भेजेगी, BGP भी भेजती, सारी एक ही तरीके से काम कर रही है ना, बट बोथ आर डिफरेंट एट देयर ओन लेवल। तीनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट है, ये चीज मान के चलो। एंड नेवर कोरिलेट द थिंग्स, चीजों को आपस में जोड़ना बंद करो। एक चीज को इंडिविजुअली लेके चलो कि ये टेक्नोलॉजी इंडिविजुअल है, ये अलग चीज है, मैंने इसको अलग नजरिए से देखना है, किसी और के साथ कंपैरिजन करते हुए नहीं चलना। अगर कंपेयर करते हुए चलोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन ही यही रहेगा, दोनों में डिफरेंस कैसे कर पाओगे फिर। इंटरनली तुमने एक कर दिया, उनको डिफरेंस कैसे करोगे फिर। ये प्रॉब्लम आती है मुझे पता है, मेरे साथ थी पहले, बट मैंने खुद को समझा लिया, तुम भी समझा लो, तुम्हें तो मैंने समझा दिया, तुम्हें खुद को समझाने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखना, ये चीज बहुत इजी है और तुम आराम से समझ जाओगे इस चीज को। अगर आज वीडियो सेव करनी होगी, आदि में सेव कर दूंगा अगर चाहते हो तो। क्या मर्जी है जैसी तुम्हारी, एक तुम्हारे पास रहेगी, एक उसके पास रहेगी। अच्छी बात है, तुम्हारी दोस्ती और मजबूत होगी। रिलेट नहीं किया तुम्हें, प्राइमरी बैकअप बनाया है, स्टैंड बाय बैकअप, एक्टिव स्टैंड बाय। ओके, जो टोपोलॉजी अभी तुमको बताइए वही टोपोलॉजी मैं यूज करने वाला हूँ, सेम एग्जैक्टली। अब राउटर यूज करना पड़ेगा ना, एक राउटर से। ओके भाई, स्विच वन पे चलते हैं, सबसे पहले सीडी भी नेबर चेक करते हैं। ओके देखो, तुम्हारा स्विच वन किस किस से कनेक्टेड है, खुद बताओ। स्विच टू और किससे? स्विच टू के साथ, मेरा राउटर टू के साथ मेरा कौन सा पोर्ट कनेक्टेड है? और स्विच टू के साथ कौन सा पोर्ट कनेक्टेड है तुम्हारे वाला? ठीक है, सीडी भी देखना आ गया ना सबको। मैं अपने अब सारे शक दूर करूंगा, पहले क्या आ गया क्या नहीं, सिंपल सी बात है। ये कौन सा बोर्ड है, 1/0/2 वाला, और ये कौन सा 1/0/21, ये कौन सा 1/0/21। और स्विच टू पे भी चल के मैं क्या रन करूंगा तुम्हारा, सीडीपी नेबर्स।
और तुम्हारा स्विच टू सिर्फ और सिर्फ किससे कनेक्टेड है? स्विच वन से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? स्विच वन से कनेक्टेड है। और पोर्ट नंबर क्या है? 1/0/21, दोनों तरफ सेम है, एग्जैक्टली सेम है ना। अब देखो यही डायग्राम है हमारी, लॉजिकल डायग्राम है, हम यही यूज़ कर रहे हैं ना अभी जो कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, स्विच टू को क्या बना दूंगा मैं? रूट ब्रिज। इसकी प्रायोरिटी कितनी कर दूंगा? 4096। तो इस स्विच टू क्या बन जाएगा मेरा? रूट ब्रिज। अब देखो मेरी इतनी टोपोलॉजी है, ये मेरी स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी, मुझे इसे क्या करना है? प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट इसमें मुझे क्या करना है? रूट को। रूट गार्ड का मतलब क्या है? मैं सिर्फ किसे गार्ड कर रहा हूँ? रूट को गार्ड कर रहा हूँ। अगर यहाँ से कोई रूट ब्रिज बनने की कोशिश करेगा तो ये स्विच क्या करेगा? उसे गार्ड। बट कब करेगा? जब क्या इनेबल होगा तुम्हारा? रूट गार्ड। उसके बिना नहीं गार्ड कर पाएगा। अब तुम किसके ऊपर चलोगे? स्विच टू के ऊपर। स्पैनिंग ट्री वी देन वन, प्रायोरिटी मैंने कितनी कर दी? ठीक है, कर दी मैंने। अब देखो डू शो स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री आउटपुट देखना सीखो पहले। सबसे पहले देखो रूट आईडी क्या बता रहा है, प्रायोरिटी मेरी कितनी है? 4097। और मेरा एड्रेस क्या है? इतना है। और देखो ब्रिज आईडी में प्रायोरिटी कितनी है? सेम है। और ये एड्रेस कितना है? सेम है। मतलब यही स्विच क्या है तुम्हारा? रूट ब्रिज है। जब रूट किसी स्विच के ऊपर जब रूट आईडी और ब्रिज आईडी सेम है, मतलब कि वही स्विच क्या है? रूट ब्रिज है। अब देखो मेरा नाम अजय है और रूट ब्रिज का नाम भी क्या है? अजय है। मतलब कि मैं ही क्या हूँ? रूट ब्रिज, दैट्स ऑल। ये मेरी टोटल क्या है? ये ब्रिज आईडी है और रूट ब्रिज की भी क्या है? वही आईडी है। इसका मतलब रूट ब्रिज कौन हूँ? मैं ही हूँ। स्विच टू तुम्हारा बन गया रूट ब्रिज। अब आउटपुट देखना तुम्हें सिखाना पड़ेगा मेजरली। शो स्पैनिंग ट्री। अब इस केस में देखो, अब रूट ब्रिज का नाम अजय है बट ब्रिज का नाम क्या है? ओम प्रकाश। अब ओम प्रकाश को पता है कि भाई ये मेरा नाम है और रूट ब्रिज का नाम क्या है? अजय है, डेट्स ऑल। अब ये मेरी आईडी नहीं है, ये रूट ब्रिज की आईडी है। और ये किसकी आईडी है? मेरे खुद के स्विच की। स्विच वन की आईडी क्या है? ये वाली। और ये किसकी आईडी है? करंट रूट ब्रिज की। अब देखो ये पोर्ट कौन सा है? जो ये पोर्ट है, ये कौन सा पोर्ट है तुम्हारा? रूट पोर्ट। ये कौन सा पोर्ट है तुम्हारा? रूट पोर्ट। सिंपली देखो, अगर ये तुम्हारा रूट ब्रिज है, ये पोर्ट क्या होगा उसका? डीपी। और ये क्या होगा तुम्हारा? आरपी होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। और देखो जो यहाँ पर कॉस दिखाता है, अब देखो यहाँ पे बता रहा है ये चीज। देखो सबसे पहले स्विच में आउटपुट समझो, रूट आईडी क्या दिखा रहा है? रूट ब्रिज की आईडी। जो ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट क्या है? तुम्हारी कॉस्ट कहाँ तक जाने की? रूट ब्रिज तक जाने की। अगर आपने टोटल कॉस्ट देखनी है ना कि क्या कॉस्ट है मेरी स्विच की रूट ब्रिज तक जाने की, जो कॉस्ट यहाँ पे लिखी होगी ना वो क्या होगी तुम्हारी? रूट ब्रिज तक जाने की कॉस्ट। और जो पोर्ट ये होगा वो क्या होगा तुम्हारा? रूट पोर्ट। ये कौन सा पोर्ट होगा तुम्हारा? रूट पोर्ट। इतना क्लियर है? रुक जाओ, किस पे? अरे छोड़ो उसकी, उसके ऊपर, वो उसके ऊपर क्या कॉस्ट आएगी? वो तो खुद ही बता रहा है कि दिस ब्रिज इज द रूट। उस पे कॉस्ट क्यों दिखाऊंगा मैं? तेरा पता कॉस्ट किसके ऊपर दिखाऊंगा? जो नॉन रूट स्विच होगा, जो खुद ही रूट ब्रिज है, वो क्या दिखा देगा? दिस ब्रिज इज द रूट। वो दिखा रहा है कि कॉस्ट है उसके ऊपर कोई? रूट ब्रिज खुद क्या बोल रहे हैं? मैं ही क्या हूँ? रूट ब्रिज हूँ। तो मेरी कॉस्ट थोड़ी होगी खुद तक जाने की? कोई कॉस्ट किसकी होगी? स्विच वन की। और कितनी है? 19। इतना क्लियर है? और मेरा 21 वाला पोर्ट क्या है? रूट पोर्ट है। अब देखो इस केस में अगर मैं इस राउटर को, राउटर के ऊपर स्पैनिंग ट्रीज लगा के बीपीडी जनरेट करता हूँ, कितनी प्रायोरिटी के साथ? जीरो के साथ। तो रूट ब्रिज कौन बन जाएगा तुम्हारा? ये राउटर बन गया तो रूट पोर्ट कौन बन जाएगा? ये रूट पोर्ट बन जाएगा, ये डीपी बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? आरपी बन जाएगा। ऐसा ही होगा ना, फिर उल्टा हो जाएगा सारा प्रोसेस। तो एक काम करते हैं, राउटर के ऊपर चल के हम क्या चलाते हैं? स्पैनिंग ट्री। अब इसका मतलब समझ लेना कैसे चलाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले क्या इनेबल करना होता है? ब्रिज ग्रुप, ब्रिज वन। उसके बाद क्या इनेबल करोगे? प्रोटोकॉल। अब देखो हमारा जो राउटर होता है ना, बाय डिफॉल्ट क्या करता है? राउटिंग। बट राउटर भी क्या परफॉर्म कर सकता है? स्विचिंग। स्विच क्या होता है? बाय डिफॉल्ट क्या परफॉर्म करता है? स्विचिंग। बट क्या परफॉर्म कर सकता है? राउटिंग। अब मैंने बोला ब्रिज वन ग्रुप, मतलब मैं इसके ऊपर क्या इनेबल कर रहा हूँ? ब्रिज इनेबल कर रहा हूँ। ब्रिज इनेबल करने का मतलब मैं इसे एज ए स्विच यूज करने वाला हूँ। ब्रिज वन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल अब मैं यूज करने वाला हूँ कि मैंने स्पैनिंग ट्री कौन सा चलाना है। देखो स्पैनिंग ट्री हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। मे बी जो डेकनेट का स्पैनिंग ट्री, उसका नाम क्या है? डेक प्रोटोकॉल है। जो IBM का स्पैनिंग ट्री, उसका नाम क्या है? IBM प्रोटोकॉल है। IEEE का स्पैनिंग ट्री क्या है? 802.1D। हम कौन सा यूज कर रहे हैं अभी? IEEE स्पैनिंग ट्री। अगर तुम देखो यहाँ पर स्पैनिंग ट्री कौन सा यूज कर रहा है तुम्हारा? IEEE प्रोटोकॉल। तो राउटर पे भी कौन सा इनेबल करना पड़ेगा? IEEE। कर दी इनेबल।
अब मैंने बोला ब्रिज वन, मतलब ब्रिज वन प्रायोरिटी मैंने कितनी डिफाइन कर दी, जीरो। अब देखो अब ब्रिज वन मतलब मैंने ग्रुप नंबर बनाया, एक ब्रिज वन ग्रुप नंबर बनाया, बी ले नहीं है बेसिकली, एक हिसाब से ये वन है, वन ही रहेगा और कुछ चेंज नहीं होगा। फिर और भी कर सकते हो, टू भी कर सकते हो, थ्री भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, अब मैंने इस राउटर के ऊपर ग्लोबली डिफाइन किया है ना ब्रिज ग्रुप, अब मुझे क्या करना है, उसे कहाँ पे अप्लाई करना है, राउटर के इंटरफेस पे। राउटर का इंटरफेस क्या है, 0/0, इसके ऊपर मुझे क्या करना है, ग्रुप को अप्लाई। मैंने ग्लोबली ग्रुप क्या कर दिया, क्रिएट, उसकी प्रायोरिटी क्या डिफाइन कर दी, जीरो। अब इसे कैसे डिफाइन, किसके ऊपर, कहाँ पे अप्लाई करूंगा, राउटर इंटरफेस के ऊपर। ब्रिज वन, ब्रिज ग्रुप वन कर दिया इनेबल। अब तुम देखना थोड़े टाइम में क्या होगा, तुम्हारा स्विच वन है, उसका रूट पोर्ट देख लो कौन सा बन गया। अब देख लो, दिख रहा है कौन सा पोर्ट बन गया, कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट बनाया, आप कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट है, तुम बताओ, लास्ट वाले खतरनाक बिट, तुम डेंजरस हो, तुम बताओ। क्यों बना, क्या सेम है, हाँ पोर्ट आईडी नहीं, ब्रिज आईडी, वो भी पोर्ट आईडी बोल रहा था, ब्रिज आईडी क्या है, ब्रिज आईडी मैंने क्या कर दी है, वो जीरो कर दी है, तो वो मेरा स्विच क्या बन गया, रूट बन गया। तो मेरा रूट पोर्ट कौन सा बन गया, 1/0/2। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस पोर्ट इज माई रूट पोर्ट, ये कौन सा पोर्ट बन चुका है, रूट पोर्ट, मतलब मेरे करंट रूट पोर्ट से उसका रूट पोर्ट वाला रोल हमने क्या कर लिया, छीन लिया है, यस और नो। तो इसका मतलब मेरा रूट ब्रिज था वो प्रोटेक्टेड नहीं है, यस और नो, जो मेरा करंट रूट ब्रिज था वो प्रोटेक्टेड नहीं था, अब उसका रोल खत्म हो गया ना। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस डिवाइस ने एक बीपीडी जनरेट किया और स्विच वन ने उसको क्या मान लिया, रूट ब्रिज मान लिया। अब एक काम करते हैं, राउटर के ऊपर चलते हैं और क्या करते हैं, इस ब्रिज ग्रुप को क्या कर देंगे हम, डिसेबल, डिसेबल किया। अब क्या होगा, फिर से स्विच वन के ऊपर पहले रूट पोर्ट कौन सा था, 1/0/2, थोड़े टाइम के बाद कौन बन जाएगा, 1/0/21। अभी वो मैक्स से चल रहा है, 20 सेकंड तक वेट कर रहा है वो, किसका, उसी के बीपीडीयू का, है ना। अब फिर से कौन सा मेरा रूट पोर्ट बन गया, 21 बन गया ना रूट पोर्ट, ठीक है 21 बन गया। अब देखो कौन से पोर्ट पे राउटर, अटैकर जो अटैक कर रहा है, राउटर बेसिकली एक अटैक लॉन्च कर रहा है ना मेरी स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी के ऊपर, राउटर इज लॉन्चिंग अटैक ओवर माय स्पैनिंग ट्री टोपोलॉजी। तो उसमें हम क्या करेंगे, उस पोर्ट पे ऊपर क्या चला देंगे, रूट गार्ड। ना सी इंटरफेस है 1/0/2, यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, राउटर, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, इनेबल स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट, रूट गार्ड नहीं, गार्ड क्या, रूट, स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट, रूट रूट गार्ड इनेबल कर दिया। अब रूट गार्ड इनेबल करने से ऐसा क्या होगा, देखो अब जब ये बीपीडी जनरेट करेगा ना दोबारा से, कितनी प्रायोरिटी के साथ करेगा, जीरो के साथ, बट यहाँ पे क्या इनेबल्ड है, रूट गार्ड। तो इस पोर्ट पे जब वो बीपीडी रिसीव होगा तो तुम्हारे स्विच वन को क्या लगेगा कि मेरे करंट रूट की प्रायोरिटी कितनी है, 4096, और इसकी कितनी है, जीरो, मतलब कि ये क्या है, मेरे रूट ब्रिज को खतरा है, इट इज़ अ थ्रेट टू माय रूट ब्रिज। तो ये ऑटोमेटिकली स्पोर्ट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। रूट गार्ड इनेबल हो चुका कौन से पोर्ट के ऊपर, 1/2 के ऊपर। अब हम राउटर से फिर क्या सेट करवाएंगे, बीपीडीयू करवा दिया सेंड, अभी तुम्हारे स्विच पे मैसेज आएगा थोड़े टाइम में, देखा, रूट गार्ड ब्लॉकिंग पोर्ट 1/0/2, रूट गार्ड ने ब्लॉक कर दिया ना, क्योंकि देखो जो हमारे करंट रूट की प्रायोरिटी क्या है, वो है 4096, जो राउटर भेज रहा है बीपीडी उसकी प्रायोरिटी कितनी है, जीरो। तो तुम्हारे स्विच टू को उस पोर्ट के ऊपर क्या इनेबल्ड है, रूट गार्ड, तो स्विच पोर्ट वो बीपीडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो क्या बोल देगा कि दिस पोर्ट मस्ट बी ब्लॉक बिकॉज इट इज ए थ्रेट टू होम माई रूट ब्रिज, यस और नो। अगर अब तुम देखोगे क्या हो गया, शो स्पैनिंग ट्री वील एंड वन, अब इस केस में वो पोर्ट क्या दिखा रहा है, ब्लॉक्ड है, दिख रहा है जिस पोर्ट पे राउटर कनेक्टेड है, प्रायोरिटी जीरो के साथ बीपीडी भेज रहा था, उस पोर्ट के ऊपर क्या रहा है, बीकेएन स्टार, मतलब कि ये पोर्ट क्या है, ब्लॉक्ड है, और इसकी स्टेट क्या है, रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट,
कौन सी स्टेट है? इनकंसिस्टेंट है स्टेट, इतना समझ में आ रहा है? कम्युनिकेशन नहीं रहेगी, ब्लॉक्ड है वो बोर्ड, लॉजिकली ब्लॉक बोर्ड है तो खत्म है, इसका मतलब कम्युनिकेशन क्यों रहेगी? अब एक काम करते हैं, अब राउटर की प्रायोरिटी कम कर देते हैं, ओके okay, क्या अब ये थ्रेट है मेरे रूट बेज को? नहीं है, अब ये थ्रेट नहीं है ना। अब स्विच वन कर देगा क्या, इसकी ब्लॉकिंग क्लियर कर देगा, इस पोर्ट की क्या कर देगा थोड़े टाइम में, ब्लॉकिंग क्लियर कर देगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर अब वो बीपीडी भेज भी रहा है उससे मेरे रूट बेज को कोई खतरा है ही नहीं है, ये सर नो, उससे अभी मेरे रूट बेज को कोई भी खतरा है ही नहीं है। अब देखो स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट गार्ड अनब्लॉकिंग पोर्ट 1/0/2, क्योंकि अब जो वहाँ पे बीपीडी आ रहा है उसकी प्रायोरिटी और उसकी ब्रिज आईडी जो मेरे करंट रूट ब्रिज के ब्रिज आईडी है उससे क्या है, कम ही है, यस और नो। अब जो बीपीडी आ रहा है बेसिकली क्या है कि उसकी जो ब्रिज आईडी है, मेरा जो करंट रूट है उसकी उसकी ब्रिज आईडी से क्या है, कम है। मेरे करंट रूट की ब्रिज आईडी कितनी है, 4096, और उसकी कितनी है 0, और उसका मैक एड्रेस, यस और नो। तो अब उस पोर्ट को क्या कर दिया उसने, अनब्लॉक। अब फिर से अगर इसकी प्रायोरिटी कम हुई तो फिर से पोर्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्लॉक। बट देखो ये फीचर क्या कर रही है, बीपीडी रिसीव कर रही है, बट ब्लॉक कब कर रही है, जब उसकी प्रायोरिटी तुम्हारे रूट ब्रिज से हायर हो रही है, लोअर हो रही है, समझ में आ रहा ना। रूट गार्ड फीचर कब पोर्ट को ब्लॉक करती है कि देखो जब वहां पे बीपीडी जो आ रहा है तुम्हारे करंट रूट से उसकी अगर प्रायोरिटी हायर है तो ही उसे क्या करती है वो ब्लॉक, लोअर है तो ही करती है ब्लॉक, अदरवाइज वो ब्लॉक नहीं करती। अब चला पता ओम प्रकाश, देखो हर एक चीज जितनी भी मैं तुम्हें क्लास में पहले वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके